वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं समोसे बनाने वाली हूँ। और ये समोसे शीट्स हैं, मैं डीमार्ट से लाई थी और ये मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे थे बाय द वे। और ये बहुत चीप और अफोर्डेबल थे, 50 for 25 शीट्स, वेरी गुड। और ये है फ्रोजन मिक्स्ड वेजिटेबल्स। और मैं ये इसलिए ख़रीदी थी ताकि हमें ना कोई झंझट ना हो बाद में, क्योंकि ये ऑलरेडी चॉप्ड है और हमें ये किसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और ये अब समोसा का रेसिपी है स्टफिंग का, तो आप ये देख लीजिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिए। और फिर अम्मी ने ये प्याज काट लिया, सब कुछ काट लिया, और फिर ना ये जो सब फ्रोजन मिक्स वेजिटेबल्स लाए थे उसमें ना हमें गोभी, मटर के दाने और कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट थे, और ये अम्मी ने स्टफिंग में डाल दिया था। और ये ना बहुत अच्छा था, यानी आधा काम तो बच गया। फिर अम्मी ने तेल डाला, क्यूमिन सीड्स डाले और उसे बस ऐसे आने दिया। फिर मिर्ची, प्याज और बहुत सारे मीनस डाले, मैं पैकिंग में ले दूँगी, आप देख लीजिएगा। थोड़ी देर बाद अम्मी ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर उसे भी मिलाया और फिर क्या डाला, फिर मिर्ची, नमक, हल्दी डाला। कलर तो बहुत अच्छा आ गया स्टफिंग का। और फिर अम्मी ने फ्रोजन वेजिटेबल्स डाल दिए, और ये फ्रोजन वेजिटेबल्स ना एक्चुअली थोड़ा टाइम लिए पकने के लिए, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आना होगा, फिर उसे कुक्ड होना चाहिए, तो रॉ भी था। अब डाला नमक पहले नहीं, वो देख लीजिएगा। और फिर ये पक चुका है थोड़ी देर बाद, ऐसा लग रहा है। फिर थोड़ी देर पकाया अम्मी ने, हमारे घर में आलू ख़त्म हो गए थे तो अब आलू ज़रूर डालिए इसमें। और फिर ये सोया सॉस था, और फिर अम्मी ने केचप भी डाला थोड़ा सा टेस्ट आने। एक और 2-4 मिनट पकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छे से पक चुका है बस, अम्मी ने अच्छा पकाया इसे। और फिर इसे मिक्स करते गए और ठंडे होने के लिए रख दिए। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला अम्मी ने एंड में, और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, है ना। आखिरी में और थोड़ा सा मिर्ची और गरम मसाला डाला था, शायद थोड़ा सूखा पड़ गया था। यहाँ पे अम्मी ने मैदे का पेस्ट बनाया था, वो एक्चुअली शूट नहीं हो पा सीधा, कैमरा कोई दूसरा एंगल में था। बस ना आप थोड़ा सा मैदा और पानी को मिला लेके एक मैदा पेस्ट बना लीजिए। और फिर यहाँ पे मैं शीट्स निकाल रही हूँ, ताकि हम लोग ये मैदा पेस्ट इसलिए बनाते हैं ताकि वो ना शीट्स एक दूसरे से चिपक जाए जब हम स्टफिंग डालें, और स्टफिंग ना वो कोनों में से गिरे ना, बस इसलिए हम लोग मैदा पेस्ट बनाते हैं। और ये डो तो मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम परफेक्ट थी, परफेक्ट लेंथ का था, और स्टफिंग बहुत अच्छे से रुक गया इसमें बेसिकली। और अम्मी अब बना रही हैं, फोल्डिंग टेक्निक थोड़ा देर से पता चली अम्मी को, लेकिन एट लास्ट मालूम तो हो गया था ना, ये काफ़ी है। क्योंकि समोसा ट्रायंगल्स में होता है तो अम्मी ने सिर्फ ट्रायंगल्स में ही लपटा, और फिर थोड़े स्प्रिंग रोल्स टाइप में बनाए थे। और ये लेंथ भी बहुत अच्छा था, समोसे तो बन गए और बाद में टेस्टी तो थे, बस आलू की कमी थी, तो मैंने अम्मी को कहा कि बाद में आलू भी ऐड करना है, क्योंकि इसके बिना तो मज़ा ही नहीं समोसे का।
मिक्सर समोसेस विच आर परफेक्टली ऑल ड्राई, और फिर मैं कई तरह के मिले रख दी, और ये देखिए कितना मस्त से तल रहा है ये। और ऐसे ही हमने पूरे शायद 15 तो डाल दिए थे पहले दिन, देखिए आप कितने डाले थे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाय बाय।